केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर को स्मार्ट शहर बनाने का प्रस्ताव पास किया गया था। आज भले ही उस प्रस्ताव को पास हुए 6.5 साल से ऊपर का समय गुजर चुका हो, लेकिन इसके बाद भी शहर स्मार्ट हुआ हो या नहीं, लेकिन विभागों ने अपने स्तर पर जनता और उन्हें स्मार्ट बनाने की दिशा में कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में धर्मशाला के बिजली विभाग की ओर से पहले चरण में धर्मशाला के 31,000 उन घरों को अपने डिजिटल स्मार्ट मीटर के जरिए स्मार्ट बना दिया है, जहां विभाग के सिंगल फेज के जरिए बिजली की सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। धर्मशाला बिजली विभाग के एक्सीन विकास ठाकुर की माने तो उन्होंने पहले चरण में 31,000 स्मार्ट मीटर इंस्टॉल करने का फैसला लिया था और उसे अब मुकम्मल भी कर दिया गया है। इतना ही नहीं, घरों में न केवल स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे बल्कि एक HPSEBL स्मार्ट मीटर नाम की ऐप भी बनाई जाएगी, जो स्मार्ट मीटर वाले घरों के मकान मालिकों को बिजली खपत की एक दिन की जानकारी देकर हमेशा स्मार्ट बनाकर रखेगी। एक सर, उसके रिगार्डिंग ऐसा है कि एक स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग धर्मशाला में क्या स्मार्ट मीटर के रिगार्डिंग 31,000 के आसपास स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल होने थे सिंगल फेज के लिए। वो स्मार्ट मीटर हमारे कंप्लीट हो गए हैं 31,000 के आसपास, तो उसका बेनिफिट भी कंज्यूमर्स को मिल रहा है और उसके लिए एक ऐप भी लॉन्च हुई है HPSEBL स्मार्ट मीटर के नाम से। तो वो ऐप अगर कंज्यूमर डाउनलोड कर लेते हैं तो उसमें जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स हैं उनके, उन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स के अगेंस्ट उस ऐप में वो उसके जो बेनिफिट्स हैं स्मार्ट मीटर के, वो सारे वो प्रिवेल कर सकते हैं। उस बेनिफिट्स में उनके आपके पास डे टू डे कंजप्शन, कितनी आपकी कंजप्शन हो रही है, क्या हमारे उसमें इवेंट एनालिसिस आ रहे हैं आपके पास कि कब आपके पास वोल्टेज ड्रिवन कितना रह रहा है सिस्टम पे, कितनी वोल्टेज की कंजप्शन आपके पास आ रही है, वो हर एक फैसिलिटी उसमें आपको मिल जाएगी ऐप में। उसके लिए हमने एक उसका डेमो प्रीव्यू भी, जो हमारा धर्मशाला डिवीजन का फेसबुक पेज है, उस फेसबुक पेज पे हमने उसका एक डेमो प्रीव्यू भी डाला हुआ है, तो वहाँ से भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं कि किस तरह से वो ऐप वर्कआउट करता है।